2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रेजोल्यूशन आया था कि जिसमें उन्होंने बताया था कि आने वाले 10 साल में पैलेटिव केयर की सर्विसेज जो है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पूरे इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें पैलेटिव केयर की सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। ये उन्होंने हमें टाइम फ्रेम दिया था 10 साल के लिए। ये सभी कंट्रीज के लिए लागू था, ये सिर्फ इंडिया के लिए लागू नहीं था, ये सभी कंट्रीज के लिए लागू था कि 10 साल में आज हम कहाँ पे खड़े होंगे। वो चाहते थे कि 10 साल में पैलेटिव केयर की जो नीड है, जो उसमें पेशेंट जिनको इनकी जरूरत है, उसमें भी जम्मू जो प्रॉब्लम्स है, जम्मू प्रॉब्लम्स का जो अपने हेल्थ डिवीजन है अंडर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उसमें हम लोगों ने तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पैलेटिव केयर सर्विसेज जो है उसकी अवेलेबिलिटी कर दी। इसका थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे, आज के दिन वर्ल्ड हेल्थ डे जो है मनाया जा रहा है, इसका महत्व कितना बेहतर कुछ नहीं है। आज ये पेन एंड पैलेटिव डे मनाया जा रहा है नेशनल लेवल पे। ये डे आइडली 12th को मनाया जाता है, 12th अक्टूबर को, बट छुट्टियों की वजह से 2 दिन डिले हुआ। फिर भी हमने कोशिश की कि जितने भी हमारे पास इस यूनिट के साथ रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो पेन एंड पैलेटिव केयर में महारत रखते हैं इसमें, तो उनको हमने कोशिश की कि आज यहाँ पे बुलाया है और उनका एक्सपीरियंस, उनका जो फील्ड का एक्सपीरियंस है, उनका पर्सनल जहाँ पे हॉस्पिटल में वो काम करते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस और पेशेंट्स के साथ जो उनका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे हमारे साथ शेयर करें और हम भी इससे कोई ऐसी चीज़ें सीख लें जो हम भी जैसे फील्ड में जाते हैं तो इम्प्लीमेंट कर सकें। और जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ से सीख के जाएँ और अपना जितना भी यहाँ पे जो सीखी हुई चीज़ें उनने तो वो अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट करें। लोगों को कितना से अवेयरनेस किया जाएगा जो लोग अब तक नहीं पहुँचा रहे? पब्लिक अवेयरनेस मैंने पहले भी बोला कि एक प्रोविंस लेवल पे ये मीट होनी चाहिए इस रिगार्डिंग पेन एंड पैलेटिव केयर मैनेजमेंट, इस यूनिट को एक्सपोज करना चाहिए। तो उसके लिए पूरी कोशिश रहेगी हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की कि हम किसी तरीके से मैसेज पूरी यूटी में दें कि इस डिजीज़ को जो ये डिजीज़ मैनेज करती है उनको कैसे हम उनकी मैनेजमेंट कैसे हम पूरी फील्ड में पूरे प्रॉपरली यूटी में वो पहुंचाएं कि कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जाता। तो यही कॉन्फ्रेंसेस हो, यही वर्कशॉप्स हो जिनकी वजह से हम उनको मैसेज फील्ड में भेज सकते हैं। इसमें मेन जो फोकस है वो है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, लोगों को पता लगे कि ऐसा क्लिनिक जम्मू में भी एग्जिस्ट करता है जो हमारे स्टेट लेवल पर, यूटी लेवल पर ही नहीं, हमारे नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन जिसकी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो मीडिया का है, आपसे बेटर कोई इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट नहीं कर सकता। यहाँ पर पिछले साल 3,000 के करीब लोगों का जो इलाज हुआ है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर ये बताता है कि वो लोग एज़ कम्पेयर टू नेशनल लेवल यहाँ से कितने सेटिस्फाइड होके गए हैं। ये वही आदमी अप्रिशिएट कर सकता है जो इस पेन को, जिसको पेन है, बैक एक है, मेलिग्नेंसी है, उसकी पेन इंट्रैक्टेबल पेन जिसे हम बोलते हैं, पेन स्कोर में सबसे हाईएस्ट लेवल उसी का होता है मेलिग्नेंसी की पेन का, और उसका इलाज जो है एक आम आदमी के पास नहीं है, एक स्पेशलाइज्ड केयर है। और हम लोगों की एक खुशकिस्मती है कि डॉक्टर रोहित जो ये स्टेट लेवल हमारा है इंस्टीट्यूट, इसको बहुत अच्छी तरीके से रन कर रहे हैं।